हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आई एम पल्लवी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल प्रवीण पल्लवी। सो थंबनेल टाइटल देखो तो आप लोगों को अगेन पता चल ही गया है कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो इस वीडियो के लिए ना मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि विंटर हॉल लाओ। सो फाइनली आ गया है वीडियो जो कि होने वाला है मीशो विंटर वेयर हॉल। एंड इतनी सारी क्यूट क्यूट, इतनी सुंदर सुंदर, अच्छी अच्छी चीजें है ना इस हॉल पे। खुद ही हैरान हो गई थी देख के। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वाला टॉप, तो क्रोशेट टॉप बोलते हैं मे बी इसको। ये ज्यादा विंटर के लिए तो है नहीं, तो ये ना हल्का हल्का सा विंटर के लिए ये परफेक्ट है। आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसका स्लीव्स तो बहुत मुझे अच्छा लगा, पूरा फ्लेयर स्लीव्स है एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग है। कलर इसका बहुत प्रिटी है एंड क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत। और ये जो टॉप है ना, ये आपको क्रॉप टॉप पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी प्राइस है इसका। इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मुझे ये वाला कलर बहुत सुंदर लगे है। तो मैंने आई थिंक इसको एक जीन्स के साथ वेयर किया था, तो उस जीन्स का भी लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड लुक्स वाइज जो लग रहा था ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये वाला थम्स अप। इस हॉल पे हल्की ठंडी के लिए भी चीजें मिल जाएगी और ज्यादा ठंड के लिए भी मिल जाएगी। तो सेकेंड वाला जो भी होगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला स्वेटर, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड ये ना ज्यादा विंटर के लिए ही है, ठीक है। मतलब इसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो क्वालिटी वगैरह इतनी ज्यादा अच्छी है ना, पूरा ये उलन पे आपको मिल रहा है। काफी ज्यादा कोजी सा है एंड काफी सॉफ्ट है। ये पहनने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये वैसे तो अभी तो थोड़ा थोड़ा ठंड है इधर, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये गर्मी लग रही थी मुझे, बट ये विंटर के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग जरूर ट्राई करके देख सकते हो। क्वालिटी, कलर एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। उतना ज्यादा भी क्रॉप नहीं, उतना ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट साइज किया है जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप जीन्स वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके से इसको आप स्टाइल कर सकते हो। तो गाइस गो फॉर दिस वन, ये वाला बहुत अच्छा है और प्राइस वाइज भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। मैंने इसमें साइज परचेस किया था, आई थिंक एस में ही होगा जो भी साइज मैंने परचेस किया होगा ना, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग परचेस करना। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट वन इज दिस। का क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया सा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। अंदर से आपको ऐसा उलन वाला फैब्रिक मिल जा रहा है और ये काफी ज्यादा थिक मटेरियल की है, तो फुल स्लीव्स आपको मिलेगा। ये ना आपको थोड़ा सा ओवरसाइज लुक देता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो एक जीन्स के साथ अगेन वेयर किया था जो कि बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था। काफी कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा आपको अंदर से वॉर्म भी रखेगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है विंटर के लिए। और इसका प्राइस तो गाइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 300 रुपीज के आसपास आपको ये स्वेटर मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया सा है। तो कुछ इस तरह से पीछे सबको ऐसा प्लेन मिल जाएगा, जॉगिंग करने जाते हो तो भी आप इसको डाल सकते हो, कंफर्टेबल भी रहने वाले हो। सो ये मैंने साइज परचेस किया था इसमें, आई थिंक मैं चेक कर लेती हूँ कौन सा। मैंने इसमें एम साइज ही परचेस किया जो कि मेरा साइज है, जो कि मैं यूजुअली टॉप वगैरह में लेती हूँ। तो ये मुझे काफी ज्यादा ओवर साइज वगैरह भी लगा, मतलब परफेक्ट लगा। तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करके देख सकते हो, आई नो कि बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ओके तो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये वाला जो कि मैंने अभी पहन रखा है। इसका क्वालिटी एंड इसका कलर, इसका सब कुछ मुझे इतना ज्यादा प्यारा लगा है। स्क्वायर नेकलाइन पे आपको मिल जाएगा। ये ना काइंड ऑफ एक टॉप है, मतलब उतना ज्यादा भी इसका मटेरियल जो है वो थिक नहीं है, तो थोड़ा सा थिन है, बट ये अभी जो विंटर का टाइम चल रहा है, हल्की हल्की सी ठंडी के लिए ना ये अच्छा है। बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, काफी कंफर्टेबल है और फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ये लुक्स वाइज पहनने के बाद इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, तो इसको आप ऑफिस कॉलेज कहीं पे भी पहन के जा सकते हो। बहुत क्यूट सा है, मतलब एकदम ना पिंटरेस्टी वाला वाइब दे रहा था। ये मुझे इतना मुझे पसंद आया है, आई नो कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो द नेक्स्ट वन इज अगेन एक हुडी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ये भी ओवर साइज में मिल जाएगी। तो ये ना इतना ज्यादा क्यूट है, इसका कलर तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी है कलर। और इसमें आपको कुछ इस तरह से ना ये फ्लावर वाला प्रिंट मिल जाता है जो कि बहुत सुंदर, बहुत क्यूट सा है। इसको पहनने के बाद ना बहुत मुझे अच्छा सा लग रहा था। और इसका भी फैब्रिक जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा सा फैब्रिक है। अंदर से आपको उलन वाला मटेरियल ये मिल जाता है, आप देख सकते हो, जो कि काफी अंदर से आपको वार्म रखेगा। और इसका भी फैब्रिक जो है ना काफी ज्यादा थिक है, जो कि परफेक्ट है विंटर्स के लिए, मतलब अच्छा खासा विंटर में भी आप इसको पहन सकते हो। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा मटेरियल है इसका, इतना मुझे अच्छा लग रहा है ना, इसका मटेरियल बहुत सुंदर सा है। अगर आपको ओवर साइज पहनना है तो अपने साइज के एक साइज या तो दो साइज आप बड़े ले लो तो अच्छा रहेगा, ये आपको काफी अच्छा ओवर साइज लुक देगा। तो मैंने इसमें एल साइज परचेस किया था, तो ये मुझे अब अच्छा खासा ओवर साइज
लुक दे रहा था। ये वाला भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और इसका भी प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 300 के आसपास होगा इसका प्राइस, कैन यू गाइस इमेजिन। जिसका लुक्स भी बहुत ज्यादा सुंदर है और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो आप लोगों को जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज अ वेस्ट जो की है ये वाला, आप देख सकते हो तो काफी ज्यादा क्यूट है। इसका कलर आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रिटी है, जो फ्लावर बनाया गया है ना मुझे बहुत ज्यादा क्यूट सा लग रहा है। इसका भी फैब्रिक ना बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा थिक वाला मटेरियल है, ये काफी ज्यादा आपको वर्म भी रखेगा, तो अंदर से अगर कुछ आप वर्म सा पहन रहे हो और ऊपर से इसको डाल रहे हो तो ये काफी वर्म रखेगा आपको। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा सा क्यूट सा लुक दे रहा है ये पहनने के बाद, आप ट्राई ऑन पे देख पाओगे गाइस। तो मुझे ये बहुत पसंद आया एंड इसमें आई थिंक मेरा साइज जो है दैट इज एम साइज एंड ये मुझे परफेक्टली फिट आया है, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही परचेस करना ठीक है। मैं ना यूजुअली टॉप्स वगैरह में ना एम साइज ही परचेस करती हूँ एंड कुर्ता वगैरह पे जो मेरा साइज है दैट इज मैं तब मैं इस साइज लेती हूँ। तो साथ आप बहुत सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो, स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हो उसको, आप जीन्स के साथ पहन सकते हो, फिर बहुत सारे वे पे ट्राई करके देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा ओके। एंड वैसे भी ना मीशो पे सेल स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 16 अक्टूबर से होगा, तो जरूर चेक कर लेना, आप लोगों को बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे सारे ही प्रोडक्ट्स पे। तो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो इतना प्यारा सा इतना क्यूट सा है ना, तो हियर इट इज, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये भी एक क्रोशेट टॉप ही है, तो इसका भी फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका आप लुक्स देख लो, इतना ज्यादा प्रिटी सा है, इसमें आपको इतना प्यारा प्यारा सा फ्लावर्स मिल जाएगा ठीक है, जो कि बहुत क्यूट सा लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर है, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, पहनने के बाद तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ सामने ना इसमें आपको बटन वाले डिटेलिंग मिल जाते हैं, आप देख सकते हो ठीक है। और इसका क्वालिटी का सच में बता रही हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने अंदर से शर्ट वगैरह डाल के, ज्यादातर वेस्ट को मैंने वैसे ही पहना है, अंदर से शर्ट डाल के ऊपर से वेस्ट को पहन के बहुत अच्छा सा लुक भी देता है। तो इसके साथ जो मैंने पैंट पहना था उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। अगर सेम पैंट की लिंक ना मिले तो मैं सिमिलर सा कोई पैंट की लिंक डाल दूंगी, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो ओके। तो ये वाला वेस्ट जो है ना मुझे इतना प्यारा सा लगा और लुक्स तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो द नेक्स्ट इज दिस वन, ये आप देख सकते हो अगेन एक ग्रीन कलर की बॉटल, ग्रीन कलर की ये एक हुडी है। तो कुछ इस तरह से आई थिंक इसका जो एक्चुअल कलर है ना वो कैमरे पे मतलब कैप्चर नहीं हो पाता है, बट ये कुछ कलर जो है ना इसका बॉटल ग्रीन कलर है, बहुत ही सिंपल सा बहुत ही सुंदर सा ये है। इसका भी जो फैब्रिक है ना अंदर से आपको बहुत अच्छा सा वुलन वाला ऐसा मटेरियल मिल जाएगा एंड ऊपर का फैब्रिक जो है ना बहुत सॉफ्ट है, जैसा कि पिंक कलर का वो जो हुडी था सेम वैसा ही है, बहुत अच्छा है। इसमें भी आई थिंक मैंने एल साइज ही परचेस किया था, थोड़ा सा ओवर साइज लुक क्रिएट करने के लिए ऐसे हुडीज में मैं एक या दो साइज अप ही लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा ओवर साइज पहना है तो अपने साइज से एक दो साइज अप ले लेना ओके। तो इसको भी आई थिंक मैंने जीन्स वगैरह के साथ ही स्टाइल किया था एंड वो काफी अच्छा दिख रहा था, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है विंटर के लिए, ज्यादा विंटर के लिए, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा सा है, बहुत थिक सा फैब्रिक है इसका एंड प्राइस भी गाइस इसका बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 300 के आसपास ही होगा इसका प्राइस। तो आप लोग जरूर ट्राई करके देखना, आई नो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है एंड इसके साथ भी आप बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज दिस डेनिम जैकेट जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस, आप लोग देख ही पा रहे हो, सिर्फ 322 रुपीज का है और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। अभी तो आई थिंक सेल भी स्टार्ट हो चुका है तो आप लोगों को और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है एंड मैंने इसको एक जीन्स के साथ ही स्टाइल किया है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था लुक्स, आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। ऑल्सो इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये जैकेट काफी ज्यादा अच्छा है, क्रॉप स्टाइल पे है एंड मुझे ये ऐसे क्रॉप टाइप की जैकेट जो होता है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। सो लुक्स वाइज तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा प्यारा सा लग रहा है। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो काफी ज्यादा प्यारा लगा। एक्चुअली मैं इसका रिव्यू शूट करना बिल्कुल भूल गई थी, सो गाइस प्लीज डोंट माइंड एंड चलो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट होने वाला है जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई डोंट नो कि ये अभी स्टॉक पे है या नहीं, क्योंकि ना मोस्टली प्रोडक्ट सारे मैं देख रही थी कि मतलब एक दो दिन के अंदर अंदर ही ना मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, बट आई होप कि ये मिल जाए इसका भी लिंक। तो कुछ इस तरह से है, ये वाला तो मुझे बहुत 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 पसंद आया है। तो कुछ इस तरह से ऑफ वाइट कलर पे मल्टी कलर से ना ये आपको मिल जाएगा, ये स्वेटर इतना खूबसूरत है ना गाइस, आप देख सकते हो इसमें आपको ऐसा पॉकेट वाला डिटेलिंग भी मिल जाता है एंड बहुत सुंदर है। इसको भी आप बहुत ज्यादा विंटर पे पहन सकते हो, इसका भी फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल
परफेक्ट है विंटर्स के लिए। तो कुछ इस तरह से पूरा आपको स्वेटर पे ऐसा मिल जाता है एंड पीछे भी आपको कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। ये लुक्स वाइज बहुत खूबसूरत लगता है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो सामने आपको वैसे बटन वाला डिटेलिंग भी मिल जाता है कुछ इस तरह से। बटन जो है ना वो काफी ज्यादा क्यूट सा बटन है, कुछ इस तरह से आपको मोती टाइप ये बटन मिल जाता है। बताए गाइस ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे है। और इसका अगर लिंक आई होप कि मिल जाए, इसका अगर लिंक मिल जाएगा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग जरूर चेक कर लेना। एंड जो भी पैंट वगैरह मैंने पहना है एंड जो भी बैग वगैरह कुछ भी अगर मैंने कैरी किया है, सारी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी, बट आई होप कि लिंक मिल जाए बस। तो दैट्स इट। तो कैसा लगा आप लोगों को इस हॉल की कलेक्शन, जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। और भी बहुत सारे विंटर वेयर हॉल आने वाले हैं तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड तब तक मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, हियर इसमें इंस्टाग्राम आईडी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।